दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को मैं क्लास टेंथ के परिमेय 6.3 जो आप लोग के हैं इस वीडियो में आप लोग को मैं सिद्ध करके बताऊंगा कि इस परिमेय को कैसे सिद्ध करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको सिद्ध करके बताऊंगा क्योंकि न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से अब 6 चैप्टर में आपका केवल 5 परिमेय ही बचा है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं 6.3 का परिमेय क्या कह रहा है। 6.3 परिमेय कह रहा है कि यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात मतलब समान अनुपात में होती है और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप भी होते हैं, यानी समरूप होते हैं। मतलब क्वेश्चन कहा गया है कि अगर 2 त्रिभुज है, ठीक ना, मान लिया कि ए बी सी और डी ई एफ 2 त्रिभुज है और इसकी संगत भुजाएं क्या है, सॉरी संगत कोण क्या है, बराबर है। इसका संगत कोण बराबर दिया, मान लेती कि इसका संगत कोण कोण ए और इसका संगत कोण डी के बराबर है और ये जो संगत कोण बी ये संगत कोण ई के बराबर है और ये संगत कोण सी और ये संगत कोण एफ के बराबर है, ठीक ना। यानी इसका संगत कोण बराबर दे रखा हमें, हमें सिद्ध क्या करना है, कहा है तो इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। माने एक ही अनुपात मतलब ए बी जो होगा ये डी ई के अनुपात के बराबर होगा और बी सी का अनुपात ई एफ के अनुपात के बराबर होगा और ए सी का अनुपात डी एफ के अनुपात के बराबर होगा, ठीक ना। तो ये हमें सिद्ध करके लाना है, यानी कह सकते हैं कि ये त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी ए बी सी और डी ई एफ ये दोनों त्रिभुज को हमको सिद्ध करके क्या लाना है कि समरूप है, या फिर इसकी भुजाएं समानुपातिक करके ले आओ, भुजाएं समानुपातिक हो जाएगा तो ये त्रिभुज ऑटोमेटिक समरूप हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में क्या दिया है कि इसका संगत कोण बराबर दिया है, मतलब देखो तीनों कोण इसका तीनों कोण के बराबर दिया है, इसीलिए इस त्रिभुज को ट्रिपल ए समरूपता कसौटी भी कहा जाता है, ट्रिपल ए समरूपता कसौटी। तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख दिए ताकि आपका समय थोड़ा कम लगेगा। दिया कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में कोण ए जो है कोण डी के बराबर है और कोण बी जो है कोण ई के बराबर है और कोण सी जो है आपका कोण एफ के बराबर है, ये आपको दे रखा है। इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ, एबीसी और डीईएफ ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो गए, ये हमें सिद्ध करके लाना है। अब इसके लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा, हमें रचना करना पड़ेगा, ठीक ना। अब रचना क्या करना पड़ेगा इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए हम रचना कर रहे हैं कि डीपी बराबर एबी या एबी बराबर डीपी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं। फिर एसी बराबर इधर से लिखेंगे डीक्यू, हम यहाँ लिख देते हैं कि एबी बराबर डीपी, चाहे एबी बराबर डीपी, ठीक ना, तथा एसी बराबर डीक्यू, एसी बराबर डीक्यू, ठीक ना, खींचे और पीक्यू को मिलाएं, पीक्यू को जोड़ दिए या लिख दो मिलाएं, पीक्यू को जोड़ें, ठीक ना। ये हम रचना किए, ज़्यादा रचना नहीं किए, किए कि जो हम ए बी जो है ना, ए बी यानी ये भुजा ए बी, इसके हम डीपी एक बराबर खींच दिए और एसी जो है एसी ये भुजा हम खींच दिए डीक्यू के बराबर खींच दिए और फिर पीक्यू को आपस में मिला दिए, ठीक ना। ये हम रचना किए। अब रचना क्यों किए आपको थोड़ा सा समझ में अभी आएगा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे कि अब हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू ये दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांशम करने के लिए चलेंगे। अब ये दोनों त्रिभुज को सर्वांशम क्यों करेंगे, आपको याद होना चाहिए कि जो आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि ये दोनों त्रिभुज को समरूप करना है, ए बी सी और डी ई एफ को। अब समरूप करने के लिए ना आपको 2-3 को क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, या तो ये दोनों त्रिभुज का ए दो को कौन अरे को भुजा, देखिए ए एस ए, या तो इस त्रिभुज ये सर्वान कसौटी का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं समरूपता का, या फिर एस 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 यानी ट्रिपल एस मतलब तीनों भुजाएं समानुपाती रहेगा तो भी कर सकते हैं, या एस ए एस या ए ए ए। तो इसमें तो ए ए तो दिया गया है, मतलब इस त्रिभुज के तीनों कोने तो बराबर दिया गया है, यानी बाकी 3 गो का उपयोग करके हम लोग ये दोनों त्रिभुज को समरूप करने की कोशिश करेंगे, तो ठीक ना। तो चलिए इसका हम लोग उपयोग कर लेते हैं, तो सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं, ठीक ना। तो करेंगे क्या, हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को क्या करेंगे, सर्वांशम करेंगे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज माने ए बी सी और डी पी क्यू। तो
तो पकड़ लेते हैं यहाँ परमाणु में, है ना, यहाँ लिख देते हैं परमाणु। हम जैसे जैसे लिखते चलते हैं वैसे वैसे लिखते चलेगा, बशर्ते आप समझ लीजिए ए बी सी और डी पी क्यू। यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी और डी पी क्यू में। आप क्या करेंगे, इस त्रिभुज में दिया क्या गया, दिया है कि इसका कोण ए जो है इसका कोण डी के बराबर है, यानी इसका कोण ए जो है कोण डी के बराबर है, ठीक है। ए बी जो है अब हम डी पी के बराबर लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर डी पी। ए बी को हम डी पी के बराबर क्यों किए, क्योंकि हम रचना किए थे, याद कीजिए ए बी और डी पी बराबर किए थे, तो यहाँ कारण लिखना पड़ेगा रचना से, ठीक ना, तो कारण लिख देंगे रचना से। फिर यहाँ ए सी जो होगा डी क्यू के बराबर होगा, ठीक ना, यहाँ लिख देंगे ए सी बराबर डी क्यू, कारण कारण हो जाएगा रचना से, क्योंकि हम लोग रचना किए थे। अब इन दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी पी क्यू। अब इसमें देखिए दो गो भुजा, दोनों भुजा बराबर हुआ और इसका कोण संगत कोण, तो दो गो भुजा और बीच में संगत कोण, तो एस ए एस सर्वांशम कसौटी से आपका यही दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांशम हो गया। तो इसीलिए लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या हो जाएगा डी पी क्यू, डी पी क्यू एस ए एस नियम से क्या हो गया, सर्वांशम हो गया। यहाँ और नहीं लिखेंगे, यहाँ सर्वांशम का चिन्ह दे देंगे, ठीक ना, माफ़ कीजिएगा, सर्वांशम का चिन्ह दे देंगे। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांशम हो गया। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गया तो हम कह सकते हैं कि इसका संगत कोण भी बराबर होगा, कोण बी जो होगा कोण पी के बराबर हो जाएगा, जी बिल्कुल, और कोण सी जो होगा यहाँ कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। सी पी सी टी से अगर दो त्रिभुज सर्वांशम है तो इसके संगत कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ कोण बी और कोण पी हम बराबर लिख सकते हैं, इसीलिए कोण बी बराबर कोण पी तथा कोण सी बराबर कोण क्यू भी लिख सकते हैं, कोण सी बराबर कोण क्यू, कारण सी पी सी टी सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, या तो संगत भुजा भी बराबर हो जाएगा या तो संगत कोण भी बराबर हो सकता है। तो यहाँ बी सी बराबर पी क्यू भी हो जाएगा, जी बिल्कुल, और ए सी बराबर डी पी तो रचना से है और ए बी बराबर डी पी भी रचना से है, तो इसका संगत कोण भी आपस में बराबर हो गया। अब याद कीजिए यहाँ कोण बी किसके बराबर था, कोण ई के, देखिए कोण बी किसके बराबर दिया था, कोण ई के बराबर दिया था, और यहाँ कोण बी किसके बराबर आया, कोण पी के बराबर आया, इसका मतलब आपस में ये तीनों कोण क्या हो गया, बराबर, यानी ये कोण और ये कोण, ये तीनों कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण पी और कोण ई भी बराबर होगा, इसीलिए कोण पी बराबर कोण ई भी बराबर होगा, जी बिल्कुल, ठीक ना। तथा और देखिए कौन सी और कौन क्यू बराबर है, कौन सी और कौन क्यू बराबर है, और कौन सी कौन एफ के भी बराबर था, ठीक ना, तो यहाँ पर हम कौन क्यू और कौन एफ भी बराबर कर सकते हैं, जी बिल्कुल, तो कौन क्यू बराबर कौन एफ, कौन क्यू बराबर कौन एफ। अब इस दोनों को ध्यान से देखो, कौन पी और कौन ई, यहाँ देखिए ये दो रेखा इधर से गया है पी क्यू और इधर से ई एफ, अब ये इधर से त्रिक रेखा, यहाँ पर है पी यहाँ पर है ई, अब ये कौन बराबर है, तो ये कौन कौन सा कौन होता है, नाइन्थ क्लास में हम लोग सीखे हैं, तो ये कौन सा कौन होता है, ये होता है संगत कौन। अगर दो समांतर रेखा है और एक त्रियक रेखा है और संगत कौन यदि बराबर है तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, इसका मतलब पी क्यू जो होगा ई एफ के समांतर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए लिख देंगे कि इसलिए पी क्यू समांतर ई एफ। अब ये जो कोण है कौन सा कोण है, संगत कोण, तो यहाँ लिख सकते हैं कौन सा कोण है, संगत कोण, तो यहाँ लिख देंगे संगत कोण, और पी क्यू और ई एफ क्या हो गया, समांतर हो गया। अब एक चीज़ को समझिए आप परिमेय 6.1 को याद कीजिए, 6.1 में हम लोग क्या पढ़े थे, अगर किसी त्रिभुज में कोई भुजा के समांतर यानी कोई एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह बाकी इन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो इस त्रिभुज में देखो डी ई एफ में एक भुजा है ई एफ, इसके समांतर है पी क्यू, तो एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा है तो इसका मतलब इस त्रिभुज का जो भुजाएं होगा समानुपातिक होगा, मतलब एक ही अनुपात में होगा। तो लिख सकते हैं कि डी पी बटा पी ई इधर से डी क्यू बटा क्यू एफ, हम लिख सकते हैं किसे, परिमेय 6.1 से। तो अब लिख लेंगे, अब
यहाँ लिख सकते हैं हम लोग डी पी बटा पी ई बराबर डी क्यू, डी क्यू बटा क्यू एफ, क्यू एफ यहाँ हम लोग ये वाला लिख सकते हैं, ठीक ना। अब ये वाला लिखने के बाद अब हम लोग करते हैं क्या, इसको हम लोग व्युत्क्रम कर देते हैं। क्या करते हैं? व्युत्क्रम करते हैं। हम लोग डी पी को ले आते हैं नीचे और पी ई को ले जाते हैं ऊपर, तो लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, चलिए इसको व्युत्क्रम कर दे रहे हैं, ठीक ना। और यहाँ से इसको आप नीचे लिख लीजिएगा, तो आपका है डी पी बटे पी ई, तो हो जाएगा पी ई बटे डी पी बराबर, यहाँ क्यू एफ डी क्यू बटे क्यू एफ, तो क्यू एफ चला जाएगा ऊपर और डी क्यू आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करिए, उल्टा कर दिए। उल्टा क्योंकि आपको थोड़ा समझ में आएगा, तो यहाँ थोड़ा क्या कर देंगे, अब हम लोग दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो देखिए पी ई बटे डी पी इधर एक जोड़ देंगे बराबर क्यू एफ बटे डी क्यू बराबर इधर भी क्या करेंगे, इधर एक जोड़ देंगे, एक जोड़ दिए। अब एक के नीचे कुछ नहीं तो एक ही होता है, ठीक है ना, बटा के नीचे कुछ नहीं तो एक होता है। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, डी पी और एक का लघुत्तम लेंगे तो आपका आएगा डी पी, डी पी से डी पी भाग देंगे एक बार में और एक को पी ई से गुना करेंगे तो आ जाएगा पी ई, प्लस एक से भाग देंगे डी पी को डी पी बार में और डी पी को एक से गुना करेंगे तो आएगा आपका डी पी बराबर। यहाँ भी डी क्यू और एक का लघुत्तम लेंगे तो डी क्यू, डी क्यू से डी क्यू भाग देंगे एक बार में, एक को क्यू एफ से गुना करेंगे तो क्यू एफ, प्लस एक से डी क्यू को भाग देंगे तो डी क्यू बार में कटेगा और डी क्यू को एक से गुना करेंगे तो आएगा आपका डी क्यू। देखिए पी ई प्लस डी पी, पी ई प्लस डी पी, तो पी ई और डी पी को जोड़ेंगे तो पूरा टोटल क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा। देखो पी ई और डी पी तो जोड़ेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, डी ई, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग डी ई बटा डी पी का डी पी बराबर डी क्यू एफ और डी क्यू, क्यू एफ, क्यू एफ और डी क्यू, डी क्यू, देखिए क्यू एफ और डी क्यू को जोड़ेंगे पूरा हो जाएगा डी एफ हो जाएगा, तो यहाँ से लिख लेंगे डी एफ, ठीक ना। और बटन कितना था, डी क्यू, बटन क्या था, डी क्यू। अब करेंगे क्या, अब हम लोग डी ई जो है, आप लोग डी ई जो आप लोग को दिख रहा है इसको हम क्या करेंगे, ऑपोजिट कर देंगे यानी फिर से उल्टा कर देंगे, तो लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, तो देखिए डी पी चला जाएगा ऊपर और डी ई आ जाएगा नीचे और डी क्यू चला जाएगा ऊपर और डी एफ आ जाएगा नीचे। फिर से हम क्या किए, व्युत्क्रम कर दिए। अब इसको साइड में ध्यान से देखिएगा, अब अंतिम आ गया है आपका, आप सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए डी पी, ध्यान से देखेंगे डी पी, डी पी हम क्या लिख सकते हैं, ए बी यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ बी को मिटा दिए ना, यहाँ को बी की मिटा दें, तो देखो डी पी की जगह हम ए बी लिख सकते हैं, तो डी पी की जगह क्या लिख देंगे, ए बी बटे, बटे क्या हो जाएगा आपका डी ई का डी ई, ठीक ना, बराबर आपका डी क्यू बटे डी एफ, तो डी क्यू को हम लोग ए सी लिख सकते हैं, डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए सी, और बटे क्या हो जाएगा डी एफ, डी क्यू बटे डी एफ, सॉरी ए सी बटे डी एफ। अब हम ऐसा क्यों लिखें, डी पी को ए बी और डी क्यू को ए सी क्यों लिखें, या तो हम लिख सकते हैं रचना से, या तो ये दोनों त्रिभुज को हम सर्वांशन किए थे तो सी पी सीटीज भी हो सकता है, ठीक ना, तो यहाँ कारण लिख देंगे रचना से, कहाँ से, रचना से, और ये नहीं लिखेंगे तो लिखना कि ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू रचना से है, रचना से, यहाँ कारण लिख दें। अब ध्यान से देखेंगे दोनों त्रिभुज को, बड़ा वाला देखिए, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी ई एफ, इसकी ए बी का भुजा जो है डी ई, पूरा डी ई अनुपात के बराबर है, और ए सी जो है ये आपका डी एफ के अनुपात के बराबर है। अगर हम बी सी का अनुपात हम ले आएंगे ई एफ के, तो ये क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज इसकी भुजाएं भी सब क्या हो जाएगा, एक ही अनुपात में हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इस बड़ा त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज का दो को भुजा अनुपात में हो चुका है, समान अनुपात में हो चुका है। अब बी सी और ई एफ लाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए और एक बार आपको रचना करना पड़ेगा, अब इधर से समांतर खींचना पड़ेगा तब आएगा बी सी, फिर करना पड़ेगा ई एफ, तब इसका वाला आ जाएगा समानुपातिक, यानी फिर से इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो गणित में लंबा प्रोसेस नहीं किया जाता है, उसको डायरेक्ट लिखा जाता है, इसी प्रकार, इसी प्रकार डायरेक्ट लिख देंगे कि ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर लिख देंगे बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ, हम गणित में डायरेक्ट लिख देते हैं।
ठीक ना। तो ये हो गया। अब इस त्रिभुज में देखो ए बी सी और डी ई एफ में तीनों भुजाएं समानुपातिक हो गया, अतः कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के, त्रिभुज डी ई एफ के किस नियम से, ए ए ए समरूपता कसौटी से, एस 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 नियम से नहीं मारना है। देखो एस 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 नियम से तो हुआ है क्योंकि तीनों भुजाएं समानुपातिक है, तो एस 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 से समरूप हुआ है, लेकिन यहाँ एस एस नहीं लिखेंगे, ये समरूप त्रिभुज सॉरी हाँ ए ए ए समरूपता कसौटी है, तो यहाँ ए ए लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड, या लिख देंगे इति सिद्धम, या लिख सकते हैं केवल प्रूव्ड लिख सकते हैं, यहाँ आपका क्या हो गया सिद्ध हो गया। तो आप ये परिमेय थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा मतलब आप लोग टफ लगेगा, बट आप रिवाइज करेंगे तो आपको थोड़ा आसानी पड़ सकता है, ठीक ना। तो पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज जैसा एक रचना कर लेंगे, डी पी और ए बी और ए सी जो है और डी क्यू के बराबर खींचेंगे, दोनों को मिला देंगे, ये दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे सर्वांशम करेंगे, ताकि इसका कोण बराबर होगा और ये संगत कोण बराबर होगा, तो ये भुजा समांतर हो जाएगा। जब भुजा समांतर हो जाएगा तो इसमें हम सी पी सी टी 6.1 लगा सकते हैं, है ना। यहाँ कारण नहीं लिखे थे ना, यहाँ कारण लिख सकते 6.1 से, परिमेय 6.1 से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो परिमेय है आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को परिमेय 6.4 को बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा घर में, और अपने छोटों में प्यार बांटिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में।